हाय गाइस, हाउ इज एवरीवन डूइंग। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि दोबारा अगर आपको नाटा का एग्जाम अपीयर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आप सेकंड टेस्ट ऑफ नाटा के लिए भी अपीयर कर सकते हैं और वो जो स्कोर है वो भी वैलिड रहेगा आपके आर्किटेक्चर के एडमिशन के लिए। एक और जो सवाल है जो स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं इस बार के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और वो ये है कि इस बार का जो एडमिशन का एलिजिबिलिटी है वो उसमें रिलैक्सेशन किस तरीके का हुआ है। तो बिकॉज सबको पता है कि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन, द कोविड सिचुएशन बहुत अलग होने वाला है चीज़ें। पिछले साल भी थोड़ा सा यू नो रिलैक्सेशन दिया गया था, इस साल फिर से रिलैक्सेशन के बारे में COA से नोटिस आया हुआ है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज दिस रिलैक्सेशन फॉर योर एडमिशन टू आर्किटेक्चर कोर्स। एंड बिफोर आई गो अहेड विद दिस थिंग, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए, वहाँ पे अगर आप अपने क्वेश्चंस डालना चाहते हैं वहाँ पे आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। एंड यू नो आई एम गोइंग टू गेट अलोंग विद यू ऑल एंड आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर को कर सकूँ वहाँ पे। सो लेट्स गो अहेड विद कि एग्जैक्टली रिलैक्सेशन क्या है इस बार। तो इस बार जो रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर आर्किटेक्चर एडमिशन वो ये है कि एनी कैंडिडेट जिन्होंने 10+12 पास आउट किया हुआ है और वो पास है, हर सब्जेक्ट पे पास है इन देयर क्लास 12th एग्जाम 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। ये तीन सब्जेक्ट आपके पास होना ही चाहिए क्लास 12 के एग्जाम में, और सारे सब्जेक्ट्स में आपका पास मार्क होना चाहिए, जो भी आपका मिनिमम पास मार्क है वो होना चाहिए। किसी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं कर सकते, अगर आप फेल है किसी सब्जेक्ट में देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन टू आर्किटेक्चर। सिर्फ आपको पास करना है, दैट मीन्स कि अगर आप क्लास 12 में हर सब्जेक्ट में पास कर गए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर BArch एज अ कोर्स। और इसके साथ आपको नाटा का या JEE स्कोर का भी जरूरत होगा, एंड एवरी कॉलेज हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर नाटा स्कोर और JEE स्कोर, सो वो आपको कॉलेज के वेबसाइट पे ही चेक करना पड़ेगा। इवन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मैं बता दूं कि जिन डिप्लोमा होल्डर्स ने क्लास 10 के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया है एंड दे हैव मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, अगर मैथमेटिक्स नहीं है आपके सब्जेक्ट में देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आर्किटेक्चर एडमिशन। सो अगर आपने 10 के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है एंड आपके पास मैथमेटिक्स भी है एज अ सब्जेक्ट, देन आप एलिजिबल हो आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए, प्रोवाइडेड दैट आप सारे सब्जेक्ट्स में पास किए हो अपने डिप्लोमा में फाइनल। Okay, so these are the relaxations that has been given this year. Unlike other years, जहाँ पे 50% का aggregate was compulsory, इस बार ये capping नहीं है। 50% का जो aggregate है, this is not compulsory this time. You only need to pass in your class 12. That is what is mandatory this time. 50% का capping नहीं है. Okay, so I hope you people have got a hold of exactly. What is the eligibility criteria for BArch admission this year? So thanks a lot and all the best for your admissions.